यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख निर्धारित कर दी गई है। इसके मुताबिक 24 अप्रैल से बच्चों के बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से साझा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 24 अप्रैल से प्रारंभ होंगी। आपको बता दें कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा 12 कार्य दिवसों में संपन्न हो आने वाले 10 मई तक समाप्त हो जाएंगी। वहीं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 15 दिनों में संपन्न होकर आने वाले 12 मई तक समाप्त होंगी। इस संक्रमण के दौरान भी कॉपियों की चेकिंग के बाद समय से बोर्ड का रिजल्ट निकाला और उसके बाद पठन पाठन की प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ करने की दिशा में कदम उठाए। ऑनलाइन हमारे एजुकेशन हमेशा बड़ी अच्छी तरीके से चलती रही, इस बीच हमने ऑफलाइन कक्षाओं को भी प्रारंभ कर दिया और मुझे खुशी है कि आज हम पूर्ण रूप से जो ऑफलाइन क्या पूर्ण रूप से जैसे सामान्य तरीके से कक्षाएं हमारी चलती थी वो आज हमारी चल रही हैं और प्रैक्टिकल्स हमारे प्रारंभ होने वाले हैं और हम 24 अप्रैल से जो परीक्षाओं को हाई स्कूल और इंटर की हम शुरू कर रहे हैं। जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है वो 12 मई को समाप्त होगी और जो हाई स्कूल की परीक्षा है वो 10 मई को समाप्त होगी। हमारा जो 24 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा है इस बार इसमें परीक्षा में बैठने वालों की संख्या है 16 लाख, हाई स्कूल में बैठने वाले बच्चों की संख्या 16,74,022 है और इंटरमीडिएट में जो बैठने वाले 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।